पूरे विश्व के साथ भारत में भी महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस को रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रविवार को देश भर में जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई थी, जिसका देशवासियों ने पूरा समर्थन किया। दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कमाने खाने के लिए सिवाय एक दो दिन के लिए ही राशन शेष बचा है। ऐसे में अगर कोरोना का कहर हमारे देश में बढ़ता चला गया या फिर कहें कि आज के दिन की तरह अगर 31 मार्च तक देश में लॉकडाउन कर दिया गया तो इन जैसे परिवारों का क्या होगा, कौन इनकी मदद के लिए आगे आएगा, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसी घोषणा नहीं की गई है जिसे घर बैठे मजदूर गरीब तबके के परिवारों के लिए ऐसी संकट की स्थिति में राशन उपलब्ध करवाया जा सके। आप खुद सुनिए घुमंतू समाज के इन लोगों का कोरोना के संकट की स्थिति में क्या हाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया और सिरसा में व्यापक असर इसका भी देखने को मिल रहा है। और हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये घुमंतू प्रजाति के जो लोग हैं वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार ये जो लोग हैं सड़क के किनारे रहकर अपना जो है गुजारा करते हैं। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करना चाहेंगे। बच्चे भूख मरते हैं, क्या सड़क के पास बैठे हैं, बच्चे भूख मरते हैं क्या, 23 तारीख की हड़ताल बता के खावा। तो राशन आपके पास है नहीं? ना है ही नहीं, जमा ही नहीं है राशन। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? चाय, आटा, चाय, चीनी, दूध, लून, मिर्च, सब्जी, हड़ताल भी पाट रही है, तंबू गरीब वाला सब चीज की हड़ताल हो रही है। इनके दवाई छिड़के के त्रिपाल बिना ही बैठे हैं, सारे खाने पीने बिना भी बैठे हैं। तो आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को ये को भाई इसको खाना नहीं है, भूख मरती है, तो 23 तारीख की हड़ताल है, क्या खावे। हम सरकार को ही मौत करते हैं भाई, खाने पीने की कोई माने भी करो सरकार। कुछ नया खाने पीने के लिए तो तरपाल पाट रही है, कुछ नया हमारे पास सड़क के पास पास में रोड पर। हाँ, सरकार से मांगते हैं कोई राशन पानी भाई, कोई चीज। सिरसा से सुशील कुमार के साथ रविंद्र रियाज, रिपोर्ट सच कहूँ। देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूँ और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।